हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आज की इस वीडियो के माध्यम से स्पेशली मैं डीजीटी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि डीजीटी की ओर से जो आईटी मेन एग्ज़ाम 2024 के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसके लिए हॉल टिकट जारी करने की डेट इन्होंने दे रखी है 6 अगस्त 2024। तो इस वीडियो के माध्यम से स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डीजीटी से कि इस डेट को अब आगे और ना बढ़ाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी भी विश्वास नहीं है कि क्या कल से यानी कि 6 अगस्त से रियल में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का हॉल टिकट डाउनलोड होगा या फिर नहीं होगा। कंफ्यूजन का रीज़न जो है वो भी स्वाभाविक है, क्योंकि ऑलरेडी कई बार ऐसा हुआ है जब डीजीटी की ओर से कहीं ना कहीं एग्ज़ाम डेट को आगे खिसकाया गया है। एग्ज़ाम डेट को आगे खिसकाने की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ आईटी स्टूडेंट्स की जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो भी कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। हालांकि हम मानते हैं कि कुछ टेक्निकल रीजन्स ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम डेट को जो है डीजीटी को कहीं ना कहीं आगे पोस्टपोन करना पड़ा। बट अब जो है इस वीडियो के माध्यम से स्पेशली डीजीटी से ये रिक्वेस्ट रहेगा, ये निवेदन रहेगा कि अब जो है इस डेट को और आगे ना खिसकाइए। कहीं ना कहीं आईटीआई स्टूडेंट्स की जो भविष्य की योजनाएं हैं, आगे का जो भी उनका कैरियर है, उन योजनाओं को लेकर जो है कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है। स्टूडेंट्स का जो भविष्य है कहीं ना कहीं इन फ्यूचर वाली जो भी वैकेंसीज की उनकी तैयारी है वो कहीं ना कहीं जो है प्रभावित हो रही है। इस वजह से जो है सभी स्टूडेंट्स इस इंतज़ार में हैं कि जल्द ही उनका मेन एग्ज़ाम जो है 2024 वो कंप्लीट होना चाहिए। इसलिए डीजीटी से विशेष निवेदन रहेगा समस्त आईटीआई स्टूडेंट्स की ओर से कि अब जो है कल दिनांक 6 अगस्त 2024 को जो है सभी आईटीआई स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के हॉल टिकट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाने चाहिए। और साथ ही बाकी जो भी सीबीटी एग्ज़ाम है वो सभी भी जो है अब जो भी आपने लास्ट डेट यहाँ पे दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ही जो है ये एग्ज़ाम्स कंप्लीट होने चाहिए, ताकि आईटीआई स्टूडेंट्स का जो भी नेक्स्ट आगे का जो भी उनका डिसीजन है, जो भी उनका कैरियर है, उससे रिलेटेड वो आगे डिसीजन ले सकें और आगे के कैरियर को लेकर जो है वो निश्चित हो सकें। तो उम्मीद यही रहेगी कि डीजीटी जो है कहीं ना कहीं इस बात पर गौर करेगा और सभी आईटीआई स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम है वो टाइमली कंप्लीट करवाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी यूज़फुल अपडेट्स के लिए आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।